देखिए गाइस, ये वाला वीडियो में आईफोन 12 और एप्पल वॉच और एप्पल ईयरबड का गिव अवे होने वाला है। तो गिव अवे पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। 14 प्रो की बोल रहे हो? 14 प्रो मैक्स नहीं की 1 TB 15 प्रो मैक्स। वायरलेस चार्ज मिलेगा, एयरपोर्ट्स मिलेगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा 2 दिन के लिए, है ना? इसको ले चलो साथ में। आज मैं मतलब मेरा जिंदगी का मतलब बहुत गलत कदम उठाने जा रहा हूँ। क्या बोलो भाई, इतना महंगा फ़ोन है भाई। मैं एक हफ्ता से सोच रहा था लूँ कि नहीं लूँ। क्या दिल का जो धड़कन है ना, टुक 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 कर रहा है। कंफ्यूज है अभी भी मैं। जिंदगी में बस एक ही पर लेगा ना, ठीक है? 20,000 का फ़ोन भी तो वो काम हो जाता है जो अभी मैं ले रहा हूँ। जो मोबाइल चला रहा हूँ ना, इतना हैंग मारता है भाई, तब उसका याद आता है। जब अभी इसका पास आया अभी उसका याद आ रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, ले लेता हूँ। लेने के बाद थोड़ा एक महीना बाद ठीक हो जाएगा शायद। ये रहा भाई ठीक मेरा पीछे भाई, दिल का जो धड़कन है ना, दुख 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 कर रहा है भाई। क्या ही बोलूँ, जाते हैं अंदर। आ गया माल। हाँ, हम उतना दिन से सोच ही रहा था। उधर का नंबर है तो स्लिप भाई। 14 प्रो मैक्स जब बनना था ब्लैक कलर का नहीं लेगा भाई। ऐसे ही देखो, देख के थोड़ा मन को थोड़ा शांति करके निकल जाते हैं। बड़ा है, एक एक हाथ में यूज़ करने में प्रॉब्लम है। नहीं होगा 14 प्रो हमसे नहीं होगा। ठीक है गाइस, आज मोबाइल लेना नहीं हुआ। मोबाइल जो स्टॉक था वो मतलब दूसरा कस्टमर लेके चला गया, क्योंकि मेरा भी नंबर इधर में नहीं था। वो नंबर वगैरह मैंने सब दे दिया और मंगलवार को आके फटाक से आके उठा लेंगे। तो मंगलवार को मिलते हैं आप लोगों से। पेमेंट सक्सेसफुल। दिन में आया था मैं संडे को मतलब मोबाइल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बोलिए तो आपने? मेरा मोबाइल दूसरे आदमी को दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। फिर मेरे को 2 दिन रुकना पड़ा और आज जाके मोबाइल पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। अभी उसको खोलते हैं। 14 प्रो की बोल रहे हो? 14 प्रो मैक्स नहीं की 1 TB 15 प्रो मैक्स। जीपे 70,000 खुल खुल जल्दी खुल है, दुख दुख कर दिया है भाई। सोमिन भाई हमारा मोबाइल अनबॉक्सिंग कर रहा है भाई। अरे राम राम। सोमिन भाई का अकाउंट से डीसी है। सोमिन का अकाउंट से डीसी है भाई। फाइनेंशियल है। हाँ, 30,000 का। क्या क्या देंगे? कोबा देंगे, टेम्पर ग्लास, ब्लैक कोबा, फिर वायरलेस चार्जर। हाँ, एक वायरलेस चार्ज मिलेगा, एयरपोर्ट्स मिलेगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा 2 दिन के लिए, है ना? इसको ले चलो साथ में। क्या क्या लगेगा इसमें? आपका टेम्पर, हाँ, बैक कवर, हाँ, PPF, कैमरा लेंस। अच्छा ठीक है, ये पूरा फुल प्रोटेक्शन होगा 360। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले तो गाड़ी वाले का भी PPF होता था, अभी मोबाइल का भी PPF देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये तो अभी 14 प्रो मैक्स जैसा लग रहा है। हाँ, कैमरा 14 प्रो मैक्स ही है शायद। कितने का आता है मोबाइल? 500 होलसेल। 25,000। मेरा चेहरा देख के दे दो आप। ठीक है भाई, कवर तो बढ़िया है भाई। नमस्ते नमस्कार, मोबाइल को सेटअप कर लेता हूँ अभी। अरे भगवान, की बात की थी बीच हुई अभी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट। मोबाइल तो ले लिया, अभी मेरा एप्पल आईडी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? तो घर में जाके सेटअप करता हूँ और कल आके वीडियो का ऑफर देना पड़ेगा। जो जो वीडियो देखेगा भाई आप लोगों को ऑफर मिलेगा, चिंता मत करो भाई। लोग अभी देख लिया होगा, मैंने मोबाइल वहाँ से खरीदा, आईफोन 14 प्रो 120 GB ब्लैक है। मेरा मतलब ग्लोबल वेरिएंट है, कनाडा का है। और इंडिया का क्यों नहीं लिया? इंडिया का रेट तो आप लोगों को पता ही है, 1,25,000 कुछ चल रहा है अभी। तो मैं बताया था आप लोगों के लिए ऑफर भी है, ऑफर है 100% है। अगर आप लोग अगर ये वीडियो अगर देख के जाते हो या मेरा ब्लॉग करण भैया और आशीष दाव को दिखाते हो, आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा।
जो रेट आप लोगों को उधर में मिलेगा ना ऑफलाइन में जाने के बाद, उससे भी कम में मिलेगा। ये आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एफएक्स का जो पेज है इंस्टाग्राम पेज, तो वहाँ में जाकर उन लोगों को फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद जो पोस्ट डाला है उन लोगों ने गिव अवे का, तो घर में जाके आप उसको लाइक करना। लाइक करने के बाद कमेंट में आप लोगों का किसी भी एक 5 फ्रेंड को मेंशन करना। मेंशन करने के बाद उसी पोस्ट को आप लोगों का स्टोरी में शेयर करना और उस पर आप लोग ये एफएक्स नोटिस और मेरे को इंस्टाग्राम में टैग कर लेना। तो ये मेरे को 35 वॉट का चार्जर मिला, वहाँ में 2 पॉड है। तो गाइस आप लोगों को वहाँ में सील पैक, ओपन बॉक्स और सेकंड हैंड तीनों टाइप का मोबाइल मिल जाएगा। और वहाँ में ज़्यादातर प्रीमियम फ़ोन ही है, वन प्लस, सैमसंग का एस सीरीज और आईफोन। और आप लोगों को उधर में सब कुछ ओपन बॉक्स, सील पैक और सेकंड हैंड मिल जाएगा। और वहाँ में डेबिट कार्ड, EMI, क्रेडिट कार्ड, EMI, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, सब कुछ अवेलेबल है। और पेपल फाइनेंस भी हो जाएगा गुवाहाटी का हो, और आप लोगों को बस लोकल एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट आप लोगों को गुवाहाटी का होना पड़ेगा, बस वही है। और अगर डेबिट कार्ड से अगर आप लोग EMI कराते हो तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम लगेगा। जो चला रहा हूँ ये वाला ग्लोबल वेरियंट है कनाडा का, और इसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, क्योंकि सब आईफोन एक ही है, सब आईफोन सेम ही है। सॉफ्टवेयर जो चला रहा है इंडिया में, बाहर में जो भी है, जापान जो भी है, सबका सॉफ्टवेयर एक ही है। और मेरा इधर में एक फिजिकल सिम है और एक eSIM है। अगर आप लोग अगर आईफोन 14 प्रो खरीदना चाहते हो वो भी कम दाम में, देन आप लोग USA का खरीद सकते हो। USA में क्या होता है, वहाँ में डुअल eSIM आता है, बस वही दिक्कत है जब आप लोग उसमें फर्स्ट टाइम सिम को इंस्टॉल करोगे तब आपको eSIM करना पड़ेगा, मैसेज वगैरह डालना पड़ेगा उसमें, 2-3 घंटा ऐसे चला जाएगा बस। स्टार्टिंग में दिक्कत है, देन एक बार एक्टिव होने के बाद मक्खन ही मक्खन है। और इसका रिसेल वैल्यू भी बहुत कम है, अब जब उसको बेचने जाओगे क्योंकि उसमें eSIM है, आप उसको सिम को एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर आप उसको दोगे जो कस्टमर होगा, फिर आपको स्टोर जाना पड़ेगा, उसको फिजिकल सिम बनाना पड़ेगा। फिर बैकअप तो भाई माध्यम बोलो फुल चार्ज में डेढ़ दिन तक निकल जाता है मेरा, एक दिन तो निकल जाता है मेरा आराम से, पूरा रील इंस्टाग्राम सब कुछ देख के। मोबाइल का मैं वारंटी भी आराम से क्लेम करा सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं भाई ग्लोबल का ले तो आप लोग वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे, भाई करा सकते हो। अगर आप लोग ट्रस्टेड सेलर से अगर खरीदते हो मोबाइल, तो आप लोग आराम से आपका नियरेस्ट सर्विस सेंटर है जो एप्पल का, वहाँ पे जाके आप लोग आराम से क्लेम करा सकते हो। बस आपका मोबाइल में फिजिकल डैमेज और वाटर डैमेज होना नहीं चाहिए। और आप लोगों को तो पता है आईफोन को तो पानी में लेके जा सकते हो भाई, रिक्स कौन लेगा, चल जाएगा, मेरे को भी पता है। बस उसी 2 को छोड़ के आप लोग कुछ भी अगर इशू आता है आराम से जाके आप क्लेम कर सकते हो। मैंने इंडिया वाला नहीं लिया, इंडिया वाला आप लोगों को पता है भाई प्राइस बहुत ही ज़्यादा है इंडिया का, और मैंने लिया ग्लोबल का तो पता है बाहर का तो टैक्स वगैरह बहुत ही कम है, बस आने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है और कस्टम ड्यूटी है बस वही है, और वही लगा के और उन लोगों का स्टोर का कुछ मार्जिन वर्जिन रख के भाई मोबाइल हमको दे दिया, बस वही है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो कम दाम में सिल पे मोबाइल, देन गो फॉर ग्लोबल में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आराम से चला सकते हो। जो इंडिया में मोबाइल, जो इंडिया वाला जो आईफोन है जैसे चलता है, वो ग्लोबल वाला भी सेम वैसे ही चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है।